मैं अमित कुमार सिंघम प्रयाग सिविल एकेडमी की ओर से आज से एनडीए और डिफेंस की एयर फोर्स एक्स ग्रुप और सीडीएस की स्पेशली मैथ के लिए आज से जो है क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग पहले देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग कैसे इसकी शुरुआत करें, कौन कौन से टॉपिक जो है स्पेशली हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन यानी प्रसार, इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं और एनडीए में कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा हर साल जो हैं एनडीए एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक, तो एक्सपेंशन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल टर्म्स ऑफ गिवन बाइनोमियल थ्योरम, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ गिवन बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले हम इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इन 4 टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे। तो प्रसार में सबसे पहले x प्लस ए पे पावर n का एक्सपेंशन हमको जानना ज़रूरी है। तो x प्लस ए पे पावर n का प्रसार, जैसे कि हम जो है क्लास 12th में पढ़ भी चुके हैं, इसका एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स पे पावर n ए पे पावर 0 एन सी वन एक्स पे n माइनस 1 ए पे 1 प्लस एन सी टू एक्स पे n माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। फिर एन सी एन एक्स पे पावर 0 और ए पे पावर n, और अगर हम बीच में कोई आरवां टर्म्स ले लें तो एन सी आर एक्स पे n माइनस r और a पे पावर r, और इसी टर्म्स को हम यहाँ पे बोलते हैं x प्लस a के पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म यानी व्यापक पद। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म यानी व्यापक पद। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम यहीं से जो है nth टर्म्स जो है फाइंड करते हैं। ठीक, कोफिशियंट फाइंड करते हैं तो ये हमको जानना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है बेसिक x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म्स हो गया। ठीक, अब इस पर जो है बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर अब डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम लोग बाइनोमियल क्वेश्चन के ओर। तो बाइनोमियल क्वेश्चन की जो सबसे पहले है, टू फाइंड द टोटल टर्म्स, इनसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा एनडीए एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो टू फाइंड द टोटल टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए कि x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स होते हैं n प्लस 1। ठीक, अगर इफ x प्लस a प्लस b पे पावर n हो देन टोटल टर्म्स n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 होगी। इफ अगर x प्लस a प्लस b प्लस c पे पावर n देन टोटल टर्म्स n प्लस 1 n प्लस 2
एन प्लस थ्री अपॉन सिक्स होगी। यानी अगर एक्सपेंशन में बाइनोमियल थ्योरम में अगर टू टर्म्स हैं तो इसमें एन प्लस वन टोटल टर्म्स होंगे, अगर बाइनोमियल थ्योरम में थ्री टर्म्स हैं तो उसमें टोटल टर्म्स एन प्लस वन एन प्लस टू बाई टू होगी, और अगर उसमें चार पद हों यानी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी पे पावर एन तो देन टोटल टर्म्स एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री बाई सिक्स होगी। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको निकालने का बेसिक फंडा होता है। बेसिक क्या है वो आप जान लीजिए। अगर इफ़ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस डॉट 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 सपोज दैट उसमें जो है आर टर्म्स तक हैं, आरवें पद तक हैं, देन टोटल टर्म्स इज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होगी। तो ये आपको जो है बेसिक इतने आपको जानते हैं, इनसे कम से कम एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं और आते ही रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखा जाए कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लाइक दैट सपोज कर लो कि दिया है कि 2x माइनस 3 पे पावर 40। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, तो हम बेसिकली भाई देख रहे हैं कि इसमें जो है दो पद हैं, तो दो पद के लिए टोटल टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस वन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है आपका 40, तो इसमें जो है टोटल टर्म्स हो गया, तो टोटल टर्म्स 40 प्लस वन यानी 41, यानी इसमें टोटल जो है 41 टर्म्स हो जाएंगे, 41 पद हो जाएंगे। ठीक, लाइक दैट क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि इफ़ 2x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 21, तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल डिफरेंट टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं और उस पे रेज टू द पावर ऑफ 21, तो इसके जो है टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि अगर 3 टर्म्स हो तो उसमें टोटल टर्म्स की संख्या होती है n प्लस वन एन प्लस टू बाई टू, तो इसमें टोटल टर्म्स हो जाएगा, टोटल टर्म्स हो जाएंगे तो 21 प्लस वन 21 प्लस टू अपॉन टू। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 23 अपॉन टू, ये हो गया 2 से डिवाइड किया 11, 11 से ये टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 थ्री जा 33, 11 टू जा 22 और 3 हो जाएगा 25, यानी 253 टोटल टर्म्स हो जाएंगे इस टर्म्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो NDA 2017 सेकेंड में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लाइक दैट इस तरह से था कि a प्लस बी पे पावर 20 प्लस a प्लस बी पे पावर a माइनस बी पे पावर 20, तो इफ़ a प्लस बी पे पावर 20 प्लस a माइनस बी पे पावर 20 में टोटल टर्म्स पूछा था, कुल पदों की संख्या पूछा था, टोटल टर्म्स यानी कुल पदों की संख्या पूछा गया था कि कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर इसमें दो टर्म्स हैं तो टोटल कुल कितने टर्म्स होंगे, 21, इसमें भी टोटल टर्म्स कितने होंगे, 21। ये दोनों जब देखिए कि ये दोनों सेम है, केवल प्लस और माइनस का केवल अगर डिफरेंट होता है, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि a प्लस बी का जब हम एक्सपेंशन करते हैं, a प्लस बी का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें सभी प्लस होते हैं, यानी एन सी जीरो, ए पे पावर 20, बी पे पावर 0, एन सी 1, ए पे पावर 19, यानी एक एक कम होता जाएगा बी बढ़ता जाएगा, एन सी 2, ए पे पावर 18, बी स्क्वायर प्लस, इसी तरह से
आगे भी हमको सारा सब लिखना नहीं है, बस केवल बेसिक जानना है होता क्या है कि a माइनस बी पे पावर 20 अगर इसको करें तो एन सी जीरो ए पे पावर 20 बी पे पावर 0, यहाँ माइनस लग जाएगा। यानी जो सीरीज हमारा चलेगा, जो हम एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने पर एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से ये इसका हम एक्सपेंशन करेंगे। प्लस एन सी टू ए पे पावर 18 बी स्क्वायर माइनस, इस तरह से। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है कि इसको आप प्लस करिए। जब हम इसको प्लस अगर हम करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम हैं, और सेम हैं तो ये कट जाएंगे, आगे वाले भी टर्म्स कट जाएंगे, ठीक। अब हम ये देखें इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, 21। 21 टर्म्स में आपको ये ध्यान में रखना है कितने ऑड हैं और कितने इवन हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब अगर 20 हो, अगर ये पावर इवन है यानी सम संख्या है, अगर पावर इवन है, सम संख्या है, तो उसमें टोटल टर्म्स तो 21 हो गई, जिसमें 11 टर्म्स इवन होंगे, जिसमें 11 टर्म्स इवन एंड 10 टर्म्स ऑड होंगे। ये आप हमेशा याद रखिए, जब अगर पावर इवन हो तो इवन वाला टर्म्स हमेशा, यानी इसका 20 का आप हाफ कर लीजिए यानी 10 10 हो गए, इवन में एक हमेशा एक्स्ट्रा कर दीजिए यानी 11 टर्म्स, एंड ऑड में हो जाएगा 10 टर्म्स हो जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं हमारा टर्म्स कौन सा कट रहा है, 1 के बाद 3 के बाद 5, इस तरह से कट रहा है, यानी सभी ऑड टर्म्स कट रहे हैं, और सभी ऑड टर्म्स कटेंगे तो ये ऑड वाले ख़त्म हो गए, तो बचे कितने, 11 टर्म्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल टर्म्स की जो संख्या हो जाएगी, टोटल टर्म्स की संख्या हो जाएगी 11। बस यही हमको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो NDA 2016 में आया है। NDA 2016 में क्वेश्चन आया था कि इफ़ x प्लस वाई पे पावर 101 प्लस x माइनस वाई पे पावर 101, इसमें आपसे पूछा था टोटल टर्म्स कुल कितने पद होंगे, तो कुल कितने पद होंगे ये संख्या पूछा गया था, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा गया था। तो अभी हमने बताया कि जब मैंने बताया था कि अगर ये इवन होता है तो हमेशा जो है एक संख्या ज़्यादा और एक संख्या कम होता है, इवन की संख्या ज़्यादा होती है और ऑड की संख्या कम होती है, जब पावर रेज टू द पावर अगर इवन हो, सम संख्या हो। तो अगर यहाँ पे सम संख्या नहीं है, अगर ये ऑड है, अगर ये संख्या ऑड होती है तब इवन और ऑड दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ऑड की संख्या और इवन की संख्या आपस में बराबर होगी। तो अगर यहाँ रेज टू द पावर 101 है यानी ऑड संख्या है, तो भाई ये बाइनोमियल थ्योरम है, तो उसमें टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, तो 102 होगी। 102 होगी, तो अभी मैंने बताया कि ऑड में जितने इवन होंगे उतने ही ऑड होंगे, तो मतलब ये हो गया कि 102 में 51 जो है ऑड हो गए और 51 जो है इवन हो गए, यानी दोनों की संख्या आपस में इक्वल होगी। सेम ऐसे इसमें भी होगा, इसमें जो है प्लस माइनस होगा। अच्छा, हमको बस इतना ध्यान में रखना है कट कौन रहा है, कौन सा जो है कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होगा, तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे कि कैंसिल आउट कौन हो रहा था, तो सभी ऑड वाले यानी 1, 3, 5, 7 ये सभी जो है कैंसिल आउट हो रहे थे, ये कैंसिल हो रहे थे, तो ये कैंसिल हो गए, तो इनको आप हटा दीजिए, तो बची कितनी, 51, यही हमारा संख्या हो गया, यही हो गया टोटल टर्म्स। तो टोटल पदों की संख्या हो गई हमारी 51, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा, और बाइनोमियल थ्योरम पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक बार और अपील है कि प्रयाग सिविल एकेडमी द्वारा जो चलाया जा रहा है NDA,
एयरफोर्स एक्स ग्रुप CDS यानी जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं उसके मैथ्स के लिए हम यानी मैं अमित कुमार सिंघम आगे भी जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोग प्रयाग सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार। नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और ये मेरा जो है सेकंड लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम पर। अभी हम लोग जो है टोटल टर्म्स के बारे में जो है डिस्कस कर चुके हैं और इसके एक्सपेंशन के बारे में। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ इसके एक्सपेंशन में कि x plus a पे पावर रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, हमने बताया था कि एन सी जीरो एक्स पे पावर n a पे पावर जीरो, एन सी वन एक्स पे n माइनस वन a पे पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स पे n माइनस टू ए स्क्वायर, प्लस इसी तरह से हम आगे अगर जाएंगे तो लास्ट में एन सी एन एक्स पे पावर जीरो a पे पावर n, और बीच में अगर कोई r टर्म्स ले लिया जाए तो एन सी आर एक्स पे n माइनस आर और a पे पावर r। तो यह मैंने बेसिक जो है एक्सपेंशन बताया था बाइनोमियल थ्योरम पर। अब हम इसके बाद इसमें जानेंगे तो टोटल टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इनके इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का मतलब ये हो गया कि रेशनल और इरेशनल नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पदों की कुल संख्या कितनी है तो पदों की कुल संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम देखें तो डिस्कस करते हैं कि इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन ले करके दिखाएं कि इस पर हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, या इसी को हम बोल सकते हैं रेशनल टर्म्स एंड इरेशनल टर्म्स या इसी को हम बोल सकते हैं रेडिकल टर्म्स। ठीक, तो हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स यानी परिमेय पदों की संख्या, यानी बाइनोमियल थ्योरम में परिमेय पदों की संख्या और अपरिमेय पदों की संख्या हम कैसे फाइंड करें। तो ये NDA एग्जाम्स में हमेशा एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस पर बेस्ड जो है हम क्वेश्चन देखें कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन जो है आएगा। तो क्वेश्चन हम एक लो लेते हैं, क्वेश्चन गिवन है कि इफ 5 पे पावर 1/5 प्लस 7 पे पावर 1/10 पे पावर रेज टू द पावर 55। अब इसमें आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स यानी कुल अपरिमेय पदों की संख्या बताइए। अपरिमेय पदों की संख्या आपसे पूछा गया है कि इसमें अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो कुल कितने अपरिमेय पदों की संख्या आएगी। तो चलो देखें, तो इसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है 5 जो पावर दिया है यानी प्रसार में 1/5 और 1/10 इनका हम जो LCM ले लेंगे तो 5 और 10, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है, तो 5 और 10 का हम LCM ले लेंगे तो इनका जो है LCM क्या हो जाएगा 10। तो LCM आ गया 10, और यहाँ पे जो रेज टू दी पावर यानी n की जो वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है 55। हम ये देखेंगे कि ये 10 में यानी 55 तक 10 से कितनी संख्याएं हैं जो डिविजिबल हैं, जो 10 से डिवाइड हो जाए। तो हम देखते हैं कि 55 के अंदर जो है 10 है यानी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 है। ये 5 संख्याएं हैं जो 10 से डिविजिबल हैं अंडर 55।
तो 55 के अंदर ये पांच संख्याएं डिविजिबल हैं, तो ये पांच संख्या जो डिविजिबल होंगी वो इंटीग्रल टर्म्स होंगी या रेशनल टर्म होंगी, हमको ये नहीं फाइंड करना है, हमको इरेशनल फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इरेशनल का संख्या फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेशनल की संख्या बहुत कम होती है, और अगर इरेशनल निकालने जाएंगे तो हम उसका एक्सपेंशन करेंगे जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स में से रेशनल को माइनस कर देंगे, इरेशनल फाइंड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप एक्सपेंशन किए उसमें जीरो जरूर इंक्लूड करिए, एक ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो टोटल कुल कितनी संख्या हो गई, 6। कैसी संख्या है, रेशनल टर्म्स है, यानी टोटल परिमेय पदों की संख्या या टोटल रेशनल नंबर्स की संख्या जो है 6 है। हमको निकालना क्या था, इरेशनल नंबर टर्म्स फाइंड करना था, तो इरेशनल, तो टोटल टर्म्स कितने हैं भाई, 55। तो अगर दो पद होते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टोटल टर्म्स जब भी किसी एक्सपेंशन में आप निकालेंगे तो हमेशा अगर उसमें दो पद हैं तो एक एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी 55 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 56। 56 में रेशनल कितने हैं, 6 माइनस कर दीजिए, कितने बचे, 50। तो 50 कौन से टर्म्स बचे, इरेशनल टर्म्स बचे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, हमारे प्रयाग सिविल एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा NDA एयरफोर्स एक्स ग्रुप CDS स्पेशली मैथ के लिए और फिजिक्स के लिए। मैं अमित कुमार सिंघम आपसे आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रयाग सिविल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो और नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।